गाइस, आज का दिन है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे। और आज के इस स्पेशल डे को हम और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। पहले तो हम एक इंडियन फ्लैग बनाएंगे और उसको डेकोरेट करेंगे, और इसके बाद मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं फ्लैग का बेस बनाऊंगा यहाँ पर, तो मैं 4x4 का यहाँ पर बेस बना रहा हूँ। अब इसके ऊपर आएगा फ्लैग का जो पोल होता है वो, इतनी हाइट मेरे हिसाब से काफ़ी है। अब मैं यहाँ पर जो फ्लैग का दूसरा पार्ट होता है उसकी मार्किंग लगा लेता हूँ। नीचे ग्रीन पार्ट, यहाँ पर आ जाएगा व्हाइट पार्ट, और इसके ऊपर आ जाएगा ऑरेंज पार्ट। अभी तो मैं इसको सीधा सीधा स्ट्रेट बनाऊंगा, लेकिन इसके बाद जब ये पूरा बन जाएगा तो फिर मैं इसमें वेव्स बनाऊंगा। फाइनली गाइस, हमारा फ्लैग पूरा बनकर रेडी है। अब बारी है इसको थोड़ा डेकोरेट करने की। फ्लैग का काम हो चुका है डन। अब बारी है वो स्पेशल चीज़ बनाने की जिसकी बात मैं पहले कर रहा था। पहले मुझे यहाँ पर एक एक ब्लॉक के गैप से रेडस्टोन ब्लॉक लगाना है, और इसकी पूरी रिंग फ्लैग के आजू बाजू बनानी है।
रेडस्टोन ब्लॉक्स मैंने सब जगह लगा दिए हैं, अब मुझे इसके ऊपर लगानी है रेल। लेकिन जहाँ पर टन है वहाँ पर लगानी है सादी वाली रेल, जो रेडस्टोन ब्लॉक्स है उसके ऊपर आएंगी पावर रेल, और जो बीच में गैप है वहाँ पर आएंगी एक्टिवेटर रेल। रेल्स लगाने का काम भी हो चुका है, अब बस ये जो ट्रैक मैंने बनाया है इसके ऊपर हमें अपनी आर्मी को रखना है। लेट्स गो, आर्मी परेड बन चुकी है। अब मुझे यहाँ पर बनाना है रॉकेट सिस्टम रात में प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पर मैं स्कल्क सेंसर यूज़ कर रहा हूँ। अब जब भी यहाँ पर कोई शोर होगा तो ये स्कल्क सेंसर डिस्पेंसर को एक्टिव करेंगे जिसमें रॉकेट भरे रहेंगे। ये स्कल्क सेंसर खुद शोर ना मचाए इसके लिए मैं यहाँ पर पानी डाल रहा हूँ। अब इसके ऊपर आ जाएंगे अपने डिस्पेंसर और फिर डिस्पेंसर के अंदर आ जाएंगे अपने रॉकेट्स। तो देखो गाइस, ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। मैं यहाँ पर जैसे ही रॉकेट मार रहा हूँ तो ये जो डिस्पेंसर है ये भी एक्टिव हो रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे सिस्टम को नीचे खड़े रहकर एक्टिवेट कर पाऊँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जब भी रॉकेट मारूँगा तो यहाँ पर एक सिस्टम बनाऊँगा जो इस नीचे वाले रॉकेट की वजह से एक्टिवेट होगा और फिर उसकी आवाज़ से ऊपर वाला एक्टिवेट होगा। तो देखो गाइस, फाइनली हमारा सिस्टम बन चुका है। मैंने यहाँ से नीचे से रॉकेट मारा, उसकी वजह से ये वाला एक्टिवेट हुआ और उसकी वजह से ऊपर वाला एक्टिवेट हुआ। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। मुझे बताना आपको ये बिल्ड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अभी एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आने वाली है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।